जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर रोमचो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट और अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। देश का, भारत का निःशुल्क ज्योतिष परामर्श उपलब्ध करवाने वाला चैनल डॉक्टर रोमचो, जो आपको हमेशा निःशुल्क ज्योतिष परामर्श उपलब्ध करवाता है। और दोस्तों, ज्योतिष के बारे में वो सभी सटीक जानकारियाँ, जो जानकारियाँ हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है और आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल, या जो भी आपके देवी देवता हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं उनका नाम जरूर लिखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुत्र प्राप्ति। बहुत बड़ा इशू है पुत्र प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति। आज मैं एक ऐसे उपाय की बात करूंगा जो उपाय दोस्तों आपको ना किसी ने बताया होगा, और वो उपाय करने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपको फ़ायदा होगा। पहली और मुख्य बात, अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि लड़की होगी, लड़की होगी, लड़की होगी या लड़का होगा, जो भी संतान होगी, यह बात अपने दिमाग से निकाल दें। मैं माताओं से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस बात को आप निकाल कर ही कोई भी दिमाग में थॉट लाएं। अगर बार बार यही दिमाग में अगर विचार चले, क्योंकि माता का विचार ही बहुत कुछ हद तक लिंग निर्धारण में सहायक होता है। ईश्वर की कृपा बहुत बड़ी बात है, ईश्वर के बिना यह कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन जो मानसिकता होती है ना, उसका बहुत बड़ा प्रभाव। तो पहली बात, पॉजिटिव रहना आपको, जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आपके रूम में या जो भी जहाँ पर भी, वहाँ बिल्कुल सकारात्मक माहौल रखें, अच्छे पोस्टर्स लगा के रखें, ईश्वर का, ईश्वर की मूर्ति लगा के रखें, ताकि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये दो बहुत बड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अगर वाकई में पुत्र चाहिए तो अनलिमिटेड बार, मतलब खाते उठते बैठते हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, ओम नमः शिवाय का जब जाप होता है तो ऑटोमेटिकली शरीर की एक, शरीर में एक अलग सा प्रभाव होता है और शरीर में एक अलग सा ही भाव होता है। तो अगर आप इसे कंटिन्यू 9 महीने तक, जब से आपको पता लगा कि आप गर्भ निर्धारण हो चुका है तब से, तो 9 महीने तक, 9 माह तक आपका इसका जप करना है ओम नमः शिवाय का। दोस्तों, मैंने हजारों लोगों को ये उपाय बताया और उनको फायदा हुआ है, आपको भी फायदा हो। कहीं कोई दवाई ले, कहीं भी किसी भी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है किसी के पास, और कोई दवाई या कोई बाबा या इसके। और खासकर ये उपाय मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत कारगर है, बहुत से लोगों को फायदा हुआ है, आपको भी फायदा होगा। तो प्लीज आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, रोज शिवालय जाकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे, आपको 100% गारंटी के साथ पुत्र प्राप्ति होगी और पुत्र की प्राप्ति होगी, और बहुत आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होगी, और बहुत अच्छे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।